हाय फ्रेंड, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनीज मेज़बानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सबदाना वड़ा। सबदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने ये दो मीडियम साइज के आलू लिए। अब मैं इसको बॉईल करके अच्छे से मैश करूँगी। ये मैंने आलू उबाल के इसको मैश किया अच्छे से। अभी मैंने ये सबदाना अच्छे से 4 आवर्स मैंने सोक किया था। ये अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ताकि हमें समझ में आए कि हमें कितना चाहिए। ये आलू के अकॉर्डिंग हमें इसमें साबुदाना डालना है। अभी मैं और थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें। इतना बस है, बाकी इसमें फिर मसाले आएंगे। अभी इसमें मैं डालूंगी मूंगफली का पाउडर है जो मैंने पीस लिया मिक्सी में। अब ये है जीरा भी डालूंगी, एक छोटा स्पून लिया है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ये फास्ट में भी खा सकते पर ये फास्ट का नमक डालना है। और ये लाल मिर्च की जगह हरा मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अगर ये हमें फास्ट में नहीं खाना है तो हम इसमें धनिया पत्ता भी काट के डाल सकते हैं। अब मैं ये हाथ से अच्छे से मैश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साबुदाना की खिचड़ी अच्छे से बन नहीं पाती सबसे, कि वो स्टिकी टिकी बन जाती है, तो ये बनाना ईजी है। मैंने अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना दिया। अभी मैं इससे छोटा छोटा पोर्शन लेके इसका वड़ा बनाऊंगी। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको जिसे जितना बड़ा छोटा आपको जैसे चाहिए, जिस शेप में चाहिए, आप उसको ऐसे शेप दे सकते हैं। अभी मैं ये सारे बना के लेती हूँ। तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है। ये मेरी सारी बन के रेडी है। अब मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखो, अभी मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसको इसमें छोड़ देती हूँ। अभी हम इसको पलटी कर देंगे। इसे हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है और धीरे धीरे से करना है, नहीं तो तेल उड़ जाएगा। देखो, अभी ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी बाकी के बैच भी मैं फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। देखो, अभी ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखो इनका कलर कितना अच्छा है और इसका क्रिस्पी बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी मैं बाकी के बैच फ्राई कर लेती हूँ। अभी देखो, ये मेरे सारे साबुदाना वड़े फ्राई हो चुके हैं। देखो इनका कलर भी कितना अच्छा आया है और क्रिस्पी भी है। अभी मैं इसका क्रिस्पी खाती हूँ। देखो, इसका आवाज़ से ही पता चलता है ये कितने क्रिस्पी है। अब हम इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर हम फास्ट के लिए खा रहे हैं तो हम फिर इसको दही के साथ खा सकते हैं। बाकी नॉर्मल खा रहे हैं तो हम इसको सॉस, चटनी, कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। देखो, ये अंदर से भी कितना अच्छे से पूरा फ्राई हो चुका है और पूरा ये अंदर से हमारा साबुदाना पक भी चुका है और इसका खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, बाय, थैंक यू।